जी बोलो। नो मैम, ठीक है, मतलब ये क्लैरिटी है ना कि हम ये कर क्या रहे हैं। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि एक एंगल को, जब हम लोगों को क्या करना है, एक एंगल सेक्शन को एक गजेट प्लेट के साथ जोड़ना है, ठीक है। और यहाँ पे मान लो हम लोगों ने जो भी बोल्टिंग कर रखी है या रिवेटिंग कर रखी है इस केस में, तो हम लोगों को इसका एरिया निकालना है, नेट एरिया निकालना है किसका, इस एंगल का, ठीक है। तो वो कैसे निकलेगा, पहला क्या है, नेट एरिया A1। A1 हमारा कौन सा एरिया बेटा, नेट क्रॉस सेक्शनल एरिया है कनेक्टेड लेग का, ये वाला, दिस इज ये वाला। ये अगर हमें निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। A1 ये क्या हो गया हम लोगों का, A1, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया, A2, दैट इज आउटस्टैंडिंग लेग, जहां पे कोई भी हम लोगों को वो करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। यहाँ पे कोई गजेट प्लेट नहीं है तो यहाँ पे कोई रिवेटिंग भी करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो बेसिकली हम ग्रॉस सेक्शनल एरिया किसका निकाल रहे हैं, आउटस्टैंडिंग लेग का, ये वाली A2, ठीक है। अब इसको करना कैसे, इसका एरिया निकालना है। आपको एरिया पता है, बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, थिकनेस इंटू लेंथ करेंगे। तो थिकनेस तो हम लोग को यहाँ पे दे रखी है, थिकनेस ऑफ एंगल कितनी है, टी, ठीक है। इशू किसका है, इस ओवरऑल लेंथ का, इस लेंथ का। अगर मैं A2 की बात कर रही होगी तो ये जो लेंथ है हमारी इस लेग की, इसमें से क्या कह रहा है कि ये जो T/2 है ना, ये इतना माइनस कर दो, माइनस हाफ थिकनेस, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं A2 में, क्या कर रहे हैं, थिकनेस ऑफ एंगल, जो ये इसका थिकनेस है, लेंथ का इशू है, ये लेंथ पूरी नहीं आएगी ना, ठीक है। यहाँ पे जाके इसमें ये वैल्यू भी है, तो इसका हम क्या कर रहे हैं, हाफ T/2 यहाँ पे करना है, लेंथ में से, लेंथ ऑफ लेग में से माइनस हाफ बाय थिकनेस कर देना है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, A2 आ जाएगा, आउटस्टैंडिंग लेग का एरिया। और अगर मैं A1 की बात करूँ बेटा, A1 का एरिया अगर हमें निकालना है, थिकनेस हम लोगों को पता है, क्वेश्चन में हम लोगों को गिवन होगी कौन सा एंगल यूज कर रहे हो, उसकी कितनी थिकनेस है, तो थिकनेस ऑफ एंगल T हो जाएगी। और जो लेंथ ऑफ लेग है उसमें से रचे हम लोगों को क्या करना है, इस A1 की बात कर रही हूँ, अभी कंफ्यूज मत होना, A2 तो आउटस्टैंडिंग लेग होगी। अभी ये जो मैं बात कर रही हूँ, एक मिनट, अभी ये जो हम बात कर रहे हैं, ये वाली इस वाली की, A1 इस वाली लेग की बात कर रहे हैं, जहां पे हम लोगों को होल कर रखा है। A1 का अगर मुझे एरिया निकालना है तो क्या करना है, थिकनेस ऑफ एंगल जितनी भी है वो ब्रैकेट में इनटू, वैसे क्या होगा अगर एक सिंपल करना होगा एरिया, तो थिकनेस इनटू एल। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हो जो हमारा एंगल सेक्शन है, हमने इसमें क्या किया है, होल कर रखा है इसके लिए। अब वो अगर मान लो ये पीछे तक, पूरा चैनल के पीछे तक जा रहा है, तो यहाँ पे होल्स एक दो जितने भी रिवर्स लगे होंगे उनके लिए होगा, ठीक है। तो हमें उतना एरिया माइनस भी करना रहेगा अपनी लेंथ में से, ये हम लेंथ यहाँ पे ऐसे ले रहे हैं ना इधर, ठीक है। तो अब लेंथ एक्चुअल क्या, लेंथ ऑफ एल जो ये जो लेंथ लेग है A1 वाली, ठीक है, A1 के लिए मान लो ये L1 है, इसमें से L1 में से मैं माइनस क्या कर रही हूँ, हाफ दी थिकनेस, क्योंकि यहाँ पे देखो ये वाला कॉमन पॉइंट है, ये वाला कॉमन पॉइंट है, इसीलिए आधी थिकनेस इसकी हमारी ऊपर वाले में हम माइनस कर रहे हैं और आधी इसमें से माइनस कर रहे हैं। तो यहाँ पे माइनस क्या कर दिया, हाफ दी थिकनेस माइनस ND। ND क्या है बेटा, एन हो गया नंबर ऑफ जो भी हमारे हम लोगों ने होल्स किए हुए हैं, कितने होल्स होंगे इस लाइन में, वो हो जाएगा। डी क्या हो जाएगा हमारे पास, अगेन जो हमारा क्रॉस जाया होगा इस रिवेट के लिए, ठीक है। जब आपके पास A1 A2 आ जाएगा, अभी जब न्यूमेरिकल करोगे आपको और क्लैरिटी होती जाएगी, ठीक है। जब आपके पास क्या आ जाएगा, A1 A2, मतलब A1 कौन सा हो गया, इस वाली लेग का एरिया, और A2 क्या हो गया, इस वाली लेग का एरिया, ये वाले फॉर्मूला से, ठीक है। जब A1 A2 आ जाएगा हमारे पास, तो एक कांस्टेंट के होता है, ठीक है। एक्चुअल में जो रचे हमारा फॉर्मूला होता है ए नेट का, मतलब इस एंगल का, ये वाला और इसका, ये पूरा एंगल का जो नेट एरिया होता है वो किसके बराबर होगा, A1 + A2, साथ में क्या होता है, कॉन्स्टेंट के होता है। अब वो कॉन्स्टेंट के किसके बराबर होता है, 3A1 डिवाइडेड बाय 3A1 + A2। और ये कौन से केस के लिए, जब हम एक सिंगल एंगल सेक्शन ले रहे हैं और उसको हम गजेट प्लेट से कनेक्ट कर रहे हैं, ये उसके लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जब के आ जाएगा A1 A2 से, के आ गया तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, A1 + A2 इंटू क्या कर देना है, के करना है। क्लियर है, नहीं क्लियर किसी को तो बोलो। यस मैम, और कोई,
यस मैम क्लियर। ठीक है बच्चे, इसमें बेसिकली हम लोग कर क्या रहे हैं कि हमने एंगल सेक्शन लिया, हमने हमने कनेक्शन बनाना था एंगल का किसके साथ, अपनी गजेट प्लेट के साथ, अपना गजेट प्लेट के साथ कनेक्शन बनाना था, तो हमें क्या चाहिए था, और उसके बाद हमें क्वेश्चन में क्या निकालनी रहेगी, टेंशन मेंबर है उसकी स्ट्रेंथ निकालनी रहेगी, स्ट्रेंथ निकालने के लिए हमें एरिया चाहिए रहेगा, क्योंकि हम क्या करेंगे जो उसकी परमिसिबल स्ट्रेसेस होंगे उससे एरिया को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तब जाके हमारे पास आएगा ना उसके ऊपर कि कितना लोड वे झेल सकता है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए रहेगा कि जो भी हमारा सेक्शन है, चाहे वो एंगल है चाहे वो प्लेट है, उस सेक्शन का एरिया चाहिए रहेगा। और वो एरिया कैसे आएगा कि हमने उसमें जितने भी होल किए होंगे उसको माइनस कर दो, ठीक है, वो करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, ओवरऑल एरिया आ जाएगा। अच्छा एक अब ये नोट में क्या कह रहा है कि इन केस ऑफ कनेक्टेड लेग्स द नेट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कंसीडर्ड बिकॉज द एरिया इज रिड्यूस्ड। हमारा एरिया क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है बाय मेकिंग रिवेट होल। अभी देखा कि जैसे ये एंगल था, हमारा जो एरिया होता है वो क्या होता है, यहाँ पे बीच में जहाँ पे भी रिवेट लग रहा है उस रिवेट होल की वजह से उसका एरिया क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। वेयर एज इन केस ऑफ आउटस्टैंडिंग लेग, ये जो बाहर वाली लेग है ये वाली आउटस्टैंडिंग लेग, ठीक है, ऑलवेज ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कंसीडर्ड। इसका प्रॉपर ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया कंसीडर होगा क्योंकि यहाँ पर कोई भी रिवेट नहीं है, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे एनडी वाली वैल्यू क्या है, जीरो। यहाँ पे कोई रिवेट ही नहीं है, कनेक्शन नहीं है, तो एनडी करने की तो जरूरत है ही नहीं। जहां पे हमारा रिवेट लगेगा वहीं पर तो हमारा एनडी वाला फैक्टर यूज होगा, तभी तो आप माइनस करोगे। जो आपकी बाहर वाली लेग थी उसमें एनडी माइनस करने की जरूरत ही नहीं थी आउटस्टैंडिंग वाली लेग, क्योंकि उसमें कोई कनेक्शन ही नहीं है, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि फॉर अनइक्वल एंगल, अगर हमारे एंगल्स की लेंथ अनइक्वल है, मतलब ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ अनइक्वल है, क्या कह रहा है, तो जो लॉन्गर लेंथ होगी ना हमेशा गजेट प्लेट उसके साथ कनेक्ट करनी है, मतलब जो भी कनेक्शन बनाना है ना प्लेट लगा के, वो हमेशा कहाँ पे लगेगा, जहां पे आपकी कौन सी लेग होगी उसकी लॉन्गर लेग होगी। क्लियर है क्या बोला मैंने, इन दो पॉइंट्स में कोई डाउट? यस मैम। क्लियर की डाउट है? यस, किस चीज के लिए बोला? क्लियर है मैम। पनिश, समीना, बच्चा कोई डाउट? मोनू? नो मैम। बच्चा ये कौन सा केस था कि जब हमने प्लेट को एंगल के साथ कनेक्ट किया, सिंगल एंगल को सिंगल प्लेट के साथ कनेक्ट किया। केस थ्री हमारा आता है कि जब हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉर अ पेयर ऑफ एंगल्स प्लेस्ड बैक टू बैक, मतलब एक एंगल का कनेक्शन इधर, एक एंगल ऐसे रखा, एक एंगल ऐसे रखा, ठीक है, हमने क्या किया है, फॉर अ पेयर ऑफ एंगल बैक टू बैक जहाँ पे हमने कनेक्ट किए हैं, ठीक है, और हम एक टी बना रहे हैं, ठीक है, या फिर एक सिंगल टी, इस तरह से एक सिंगल टी ले ली, उसको प्लेट के साथ कनेक्ट कर दिया। टी समझते हो ना, कि मतलब आपके पास एक सिंगल क्या है, वेब है और इधर दो फ्लैंजेस है, या फिर आपने क्या किया है, एक एंगल ऐसे लिया है, एक एंगल ऐसे लिया है और इनको कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, और नीचे क्या है, हमारी गजेट प्लेट होती है। जब इस तरह का कनेक्शन हमें बनाना है तो रजे A1 A2 तो समझ गए आप लोग क्या है, A1 A2 आउटस्टैंडिंग, ये क्या हो गया हमारा आउटस्टैंडिंग लेग हो गई A2, ठीक है, और ये A1 क्या हो गया हमारा जहाँ पे हम लोगों ने होल किया हुआ है वो वाला एरिया। तो उस टाइम पे रजा जो हमारा एरिया क्या होगा, A1 + A2, मतलब ये वाला एरिया जो आप लोगों का है, ठीक है, जो नेट क्रॉस सेक्शनल एरिया है कनेक्टेड लेग्स का, ये वाला, इन दोनों का एरिया प्लस आपका क्या होगा, ये जो ये आउटस्टैंडिंग लेग, इसका टोटल एरिया, और साथ में क्या है, के कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है A2। तो यहाँ से हमारे पास नेट एरिया इस फॉर्मूला से आएगा, और इस टाइप पे हमारा जो के का कांस्टेंट है वो किसके बराबर है, 5A1 / 5A1 + A2, इसके बराबर। क्लियर है ये चीज, दोनों में फर्क, बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि फॉर्मूलाज को लेकर, यहाँ पे याद रखना है 5A1 / 5A1 + A2, और ये 5 सिर्फ A1 के साथ है, पूरे ब्रैकेट के साथ नहीं है, ध्यान रखना। और इस केस में जो हमारा है
यहाँ पे थ्री है कॉन्स्टेंट, यहाँ पे थ्री के साथ थ्री ए वन और ये थ्री ए वन के साथ है प्लस ए, वहां पे क्या है फाइव ए वन है, जब हमारा डबल रूट हो रहा है और यहाँ फाइव ए वन प्लस ए, केसेस अलग अलग है। यहाँ पे जो ये वाला है ये कौन से केस के लिए है कि जब हमने दो एंगल्स लिए हैं बैक टू बैक और उनके कनेक्शन के लिए जब नेट एरिया निकालना है, या फिर सिंपल हम लोगों ने कंबाइंड टी लिया है उसको एक प्लेट के साथ ज्वाइन करना, यहाँ पे रिपीटिंग हो रखी है यहाँ पे रिपीटिंग हो रखी है, ये उसके लिए है। और ओवरऑल फॉर्मूला क्या है, ए वन का एरिया निकाल लो, ए टू का एरिया, ए टू को हमने कॉन्स्टेंट के साथ करना है, जो ए टू वाला जो हमारा एरिया है वो आउटस्टैंडिंग बाहर वाली लेग का एरिया है। दो फॉर्मूलाज हमने तो टोटल चार फॉर्मूलाज किए नेट क्रॉस सेक्शन एरिया के आपके सिलेबस के लिए जो है, ठीक है। पहला कौन सा किया, चेन रिपीटिंग सिंपल ब्रेड के अंदर, ठीक है। दूसरा क्या था, स्टैगर्ड के लिए, देन एंगल के लिए और देन ये टी के लिए। क्लियर है बेटा? यस मैम। अगेन जो अगर आपकी अनइक्वल लेग है तो आपको ध्यान रखना है कि आपको लॉन्गर लेग के साथ कनेक्शन बनाना है। अब एक केस ये है, ये आप लोगों का इतना आएगा नहीं, ठीक है, बट एक बार देख लेते हैं क्या है। ये क्या कह रहा है, जब डबल एंगल्स और टीज को हमने प्लेस कर दिया बैक टू बैक, मतलब एक टी इधर है एक टी इधर है, ठीक है, बीच में गजेट प्लेट है और इस तरह से हम लोगों ने बीच में कनेक्शन के लिए रिवेट लगा दिया, या फिर एक एंगल इधर है एक एंगल इधर है बीच में गजेट प्लेट है। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, बच्चों को ये सेम लगता है कि ये एंगल ऐसे जोड़ दिया, ठीक है, और यहाँ पे गजेट प्लेट लगा रखी है, ये वाला कनेक्शन, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। बट एक्चुअल में ये बहुत अलग है, इसमें क्या है, एक एंगल ऐसे लगा है एक एंगल ऐसे लगा है, बीच में गजेट प्लेट है, बीच में प्लेट लगा रखी है इसको जोड़ने के लिए, ठीक है, तो दोनों में फर्क है। तो यहाँ पे आप क्या करते हो, डिडक्शन ऑफ रिवेट होल्स, ठीक है, नंबर ऑफ रिवेट्स जितने हैं वो, ग्रॉस डाया जितना है वो रिवेट का, और थिकनेस ऑफ प्लेट ये निकाल लेते हो। ये क्या है हमारे डिडक्शन ऑफ, किस चीज की डिडक्शन है, रिवेट होल्स की, एन इंटू डी इंटू टी। उसके बाद आप क्या करते हो, ओवरऑल ग्रॉस एरिया निकाल लो एंगल्स का, जितना भी ये हमारा एंगल्स का ग्रॉस एरिया है, ये वाले एंगल का, ये वाले एंगल का ग्रॉस एरिया निकाल लो, माइनस क्या कर दो, जितना भी हमारे रिवेट के होल्स, जितने भी इन रिवेट का होल, जितने भी एन मतलब नंबर ऑफ रिवेट जितने भी यूज हो रहे हैं इस एंगल के अंदर, डी क्या हो जाएगा, ग्रॉस डाया हो जाएगा उस रिवेट का, टी क्या हो जाएगा, थिकनेस ऑफ प्लेट। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, ओवरऑल हमने सारे एंगल्स का एरिया निकाल लिया, उसमें से हम लोगों ने जितने भी इन रिवेट के लिए होल किए हैं ना उसके एरिया को माइनस कर दिया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट इफेक्टिव एरिया आ जाएगा। क्लियर है? ये कौन सा केस था, किसके लिए था हमारा, जब हम लोगों के डबल इधर इधर टी जॉइंट बीच में क्या है, गजेट प्लेट है, या फिर इधर एंगल और बीच में क्या है, गजेट प्लेट लगा रहे हो बीच में। मैम वैसे गजेट प्लेट एंगल की ज्यादा लेंथ के अलोंग नहीं लगाते मैम? क्या कह रहे बेटा, जो गजेट प्लेट है मैम, गजेट प्लेट मैम एंगल की जो ज्यादा लेंथ मैम उसके अलोंग नहीं लाते मैम? ये कनेक्शन वही होगा जहाँ पे एंगल की ज्यादा लेंथ होगी, कनेक्शन ही वहीं पे बनेगा। गजेट प्लेट का क्या काम होता है, क्या काम होता है गजेट प्लेट का, मैंने आप लोगों को ये बताया था ना, गजेट प्लेट का एक डायग्राम भी दिखाया था, क्या होती है गजेट प्लेट, कनेक्ट करने के लिए मैम। हाँ, कनेक्शन करने के लिए हम लोग ये स्टील की प्लेट लेते हैं, ठीक है, और उसको कनेक्ट कर देते हैं जहां पे भी हम मान लो एंगल से कनेक्ट करना है या फिर किसी चैनल से कनेक्ट करना है, तो बेसिकली हम एक प्लेट यूज कर रहे होते हैं जिसके साथ हम लोग रिवेटिंग बोल्डिंग या फिर वेल्डिंग के साथ कनेक्शंस बना सकते हैं। मैंने इमेज भी दिखाई थी आप लोगों को, अगर याद हो तो। कनेक्शन के लिए अगर हम एंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो एंगल का कनेक्शन वहीं से करोगे जहां पे उसकी लार्जर लेंथ होगी, जो इसकी लेग की क्या होगी, लार्जर लेंथ होगी, वही कनेक्ट होगी कनेक्शन के अंदर। अगर अनइक्वल एंगल है, अनइक्वल एंगल से समझते हो आई होप, जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में किया, मतलब ये लेग और ये लेग क्या है, आपस में बराबर नहीं होगी, तो ये हमारे बेसिक फॉर्मूला जो हमारे यूज होने थे मैंने आपको वो बताए, ठीक है। तो आपके जो मेन यूज होने हैं कौन कौन से यूज होने हैं, चेन का आपको पता होना चाहिए, ठीक है,
स्टैगर्ड पिच का पता होना चाहिए, अगर आपकी स्टैगर्ड पिच हो रखी है प्लेट्स में. और कौन सा किया हमने अभी, एंगल वाला, सिंगल एंगल का, ठीक है सिंगल एंगल. दूसरा और कौन सा किया हम लोगों ने अभी, डबल एंगल इस तरह से, और यहाँ पे गजेट प्लेट. और एक और केस देखा, ठीक है वैसे वो आता नहीं है पेपर में, कि एक इधर डबल एंगल वाला बीच में गजेट प्लेट, ठीक है, या फिर इधर एंगल और बीच में गजेट प्लेट. तो ये केसेस हम लोगों ने नेट एरिया निकालने के लिए किए कि हमें नेट एरिया चाहिए. तो कैसे करेंगे, और क्या पता होना चाहिए हम लोगों को बेटा, परमिसिबल अलाउएबल स्ट्रेस इन टेंशन. आप लोगों को पहले भी मैं बता चुकी हूँ, हम लोग कौन से फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइड कर देते हैं, 1. कितना 5, जरा 1 डिवाइडेड बाय 1.5 करो कितना होता है, अभी पिछला भी तो भी किया था वेल्डिंग के केस में, तो 50 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होता है एफ वाई. तो जब तुम इसको डिवाइड कर दोगे 1.5 से, 250 को जरा डिवाइड करो 1.5 से, ठीक है, तो आप लोगों का सॉरी जो आप लोगों का ये जो एफ वाई है आप वो पुट करना, ठीक है, और साथ में डिवाइड, ये जो आपका 0.66 आया ना, 0.6 इंटू करो 250, तो आपका वैल्यू कितना आ रहा है. हमने क्या किया, हमारा हम लोग पार्शियल सेफ्टी फैक्टर कितना लेते थे, 1.5, ये आ रहा होगा 0.666 कुछ, ठीक है, तो हमने इसको फैक्टर को इन लोगों ने क्या लिखा है 0.6, ठीक है, आप इंटू क्या कर रहे हो एफ वाई, एफ वाई कितना होता है 250, जरा करो कितना आया, 150 आया. तो यही हम इन लोगों ने डायरेक्ट हम लोग को परमिसिबल स्ट्रेसेस बता दिए, टेंसाइल स्ट्रेसेस. हम 0.6 ऑफ एफ वाई बेसिकली एक्चुअल में क्या हो रहा है, हम 1 डिवाइडेड बाय 1.5, मतलब बेसिकली 250 को जब 1.5 से डिवाइड करो तो हमारे पास जो ओवरऑल वैल्यू आती है ऑन एन अप्रोक्स 150 आती है, 150 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर. तो हम मिनिमम यील्ड स्ट्रेसेस कितने लेकर चलते हैं, 150. और ये आपका जो टेबल है बेसिकली ये IS 226 197 में स्टील का जो बेसिकली परमिसिबल स्ट्रेसेस एक्सियल टेंशन फॉर स्टील कंफर्मिंग, उसमें हम लोगों को ये सारे स्टील के स्ट्रेसेस इस तरह से दिए हुए हैं. उसमें क्या गिवन है कि अगर आप कोई भी रोल्ड स्टील सेक्शन यूज कर रहे हो, जैसे कि प्लेट्स हो गया, फ्लैट्स हो गए, एंगल्स, बीम, चैनल, डी सेक्शन, और अगर उनकी जो हमारी थिकनेस या फिर डाया 20 mm तक है, तो हम परमिसिबल स्ट्रेसेस 150 लेते हैं. अगर 20 mm से लेकर 40 mm तक के बीच में तो 144 परमिसिबल स्ट्रेसेस देते हैं, ठीक है, अगर 40 mm से ज्यादा है तो 138 परमिसिबल स्ट्रेसेस देते हैं. सिमिलरली अगर बार स्क्वायर्स कुछ भी ले रहे हो तो उस केसेस में 150 लेंगे जब तक डाया आपका इंक्लूडिंग 20 mm, अगर उससे ज्यादा हो जाता है तो हम लोग क्या लेते हैं 144, ठीक है, क्लियर है. ये कौन सी टेबल कोड में है, IS 226 1975 में, बट आप लोगों को पेपर में क्वेश्चन में गिवन होगा कि परमिसिबल स्ट्रेसेस कितने हैं. नहीं गिवन होगा तो आपको याद रखना कि आपने बस 150 लेकर चलना, क्लियर है, क्या बोला मैंने, यस मैम, ठीक है. अब हमने ये जो इतनी सारी स्टोरी पढ़ी है, जो भी पढ़ा, इतनी सारी कहानी करी, नेट एरिया, परमिसिबल स्ट्रेसेस, अब एक्चुअल में करा क्यों, हमें टेंशन मेंबर की क्या निकालनी है, स्ट्रेंथ निकालनी है. क्या निकालनी है, स्ट्रेंथ. आप लोगों को पता है स्ट्रेस किसके बराबर